नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवास न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आशिकी की खुमारी में गई आशिक की जान, प्रेम का परवान ऐसा चढ़ा कि प्रेमी को घर बुलाकर उतारा मौत के घाट। पूरा मामला जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के गांव पीकेपुर का है, जहां कानपुर नगर के रहने वाले प्रेमी अंकित मिश्रा हीकेपुर निवासी सोनम के साथ प्रेम करता था। सोनम ने फोन करके अंकित को कानपुर से अपने गांव बुलाया और उसके साथ भागने का प्लान बनाया। दोनों प्रेमी बड़े ही आराम से रात के अंधेरे में घर से निकल गए कि अचानक परिजनों को सूचना हुई कि लड़की घर से अपने प्रेमी के साथ भाग निकली। परिजनों ने रास्ते में लड़की और उसके प्रेमी को घेर लिया। इसके बाद गांव के बाहर ले गए और गांव में लड़के को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस को किसी तरह से सूचना हुई, जिसके बाद रात में ही पुलिस छानबीन में लग गई। सुबह हुई तो प्रेमिका ने सारी बात पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में लिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रेमी अंकित की 2 वर्ष पहले ही शादी हुई थी। प्रेमी अपने दोस्त के साड़ू के घर अक्सर आया जाया करता था, जिसके बाद इस लड़की सोनम से मोहब्बत करने लगा। दोनों की मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया और बीती रात दोनों घर से फरार हुए, जिसके बाद रास्ते में परिजनों ने घेर कर बड़ी ही बेरहमी से पीट पीट कर प्रेमी की हत्या कर दी और शव को गाँव के बाहर ही नाले में फेंक दिया। पुलिस की सूचना के बाद पुलिस रात में ही मामले में जुटी। कई घंटों की पूछताछ के बाद प्रेमिका ने सारी बात पुलिस को बताई, जिसके बाद सबको ढूंढा गया और शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस तरह से प्रेम का परवान हावी हो गया कि अपनी जान तक गंवानी पड़ गई और लड़की के परिजन इतने बेरहम हो गए कि प्रेमी को बुरी तरह से पीट पीट कर मार डाला। हालांकि अब पुलिस जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। अच्छा भैया, ये जो हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? ये जी, मेरा भाई था अंकित, उसका नाम था उसका जी। तो इधर गांव में था अभी 2-4 दिनों से जी। तो वहीं से मेरी नानी के यहाँ के कुछ लोग हैं, अरुणव तिवारी नाम है उनका, उनका उनकी कुछ रिश्तेदारी यहाँ रसूलाबाद में है जी। और उन्हीं के माध्यम से वो यहाँ पे आया था उन्हीं के साथ में, और उसके बाद इस प्रकार की जो है रात में वो घर नहीं पहुंचा। तो इस प्रकार की जानकारी जब की गई तो पता चला कि इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई, तो हम लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ पर ही पाया गया और वो विनोद तिवारी जो थे वो भाग गए। लोगों ने जो है, एक ही परिवार के 5-7 लोग हैं, तो उन्होंने इस प्रकार की जो घटना को अंजाम दिया है। क्या आप लोगों को सूचना कैसे हुई थी? सूचना हुई थी हमें असालगंज चौकी के द्वारा, वहाँ से कुछ इनको सूचना मिली होगी, तो पिताजी का नाम तो वहाँ से मेरी सवाई गांव से, हमारे गांव से गांव के बाजार में निकाल के जो है सूचना मिली, हमें सूचना हुई तो हम आए और देखा तो घटना को सत्य पाया। अभी क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है आगे? जी, पुलिस अभी फिलहाल तो कार्रवाई कर रही है। हम लोग रात में 2 बजे आ गए थे, सुबह 6 बजे तक यहाँ पर बैठे रहे थे, 6 बजे हम थाने पहुँच गए थे। रात फिर लगभग 11 बजे के रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसके पश्चात जो है यहाँ पे फॉरेंसिक टीम आई है, काम हो रहा है, लेकिन लेजीनेस बस आगे निष्पक्ष जाँच हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, दोषियों को सजा भी। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में परमार्थ आवास न्यूज के साथ।